स्वागत है आपको अपना इस यूट्यूब चैनल में। फाइनली इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट के बारे में कि पीटी के लिए शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट जो हैंगे वे कैसे चेक करेंगे कि उनका रिजल्ट आया कि नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कोलकाता बोर्ड के बारे में ऐसे इस तरीके से अगर आप रिजल्ट चेक करोगे तो ऐसे लिखा रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, रोल नंबर रहेगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट्स रहेगा, आपका कैंडिडेट्स का नाम रहेगा यहाँ पर, और आपने पीटी के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए कि नहीं, आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी रहेगा यहाँ पर। जिस तरीके से आप लोग को पता है कि परसेंटाइल की जगह पर अब नॉर्मलाइजेशन कर दिया गया है, तो इसी प्रकार आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स रहेगा। शॉर्टलिस्टेड फॉर पीटी के लिए आपको यस या नो रहेगा, अगर यस होंगे तो यस रहेगा, नो होगा तो नो होगा। अब जो देखिए यहाँ पर बात यह है, मुद्दा यह है कि परसेंटाइल से फिर से नॉर्मलाइजेशन कर दिया गया, इसका मतलब यह हुआ फ्रेंड्स कि आपको जो है यहाँ पर रिजल्ट में देरी हो रही है। और सबसे बड़ी कारण यह है कि जितने उनको स्टूडेंट चाहिए उतने स्टूडेंट पूर नहीं पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे, इसी कारण से आप लोगों का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कर दिया गया। तो आप लोग का लिए यहाँ पर बेहद ही ज़्यादा खुशखबरी है यह है कि अगर आपका मार्क्स जो है 40-45 या 50 के मतलब अंडर में बन रहा है तो और निगेटिव कम है तो उस वजह से आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स करके आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आपको 50-45 या 55 ऐसे नंबर आ रहा है तो आप पीटी के लिए अभी से ही तैयारी कर दीजिए, क्योंकि पीटी को आप हल्के में नहीं लीजिए, ठीक है ना। पीटी बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है पीटी में ही छड़ जाते हैं, तो पीटी में आपको प्रैक्टिस का दरकार है जो कि आपको अभी से ही कर लेनी चाहिए। अब बात मैं करता हूँ यहाँ पर रिजल्ट जो होगा आपका कब आएगा, ये आप लोगों का जब बहुत ही ज़्यादा कमेंट था कि रिजल्ट कैसे चेक करें, आ गया है आप बताइए कैसे चेक करें। तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूँ कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2022 आरआरसी जो आपका ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है वह सरकारी रिजल्ट पर आप चेक कर सकते हो, लेकिन अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। टोटल यहाँ पर 1.25 करोड़ यहाँ पर विद्यार्थी जो है मतलब इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, और इसके आंसर की 14 अक्टूबर को ही जारी कर दिया गया था। लेकिन आपको रिजल्ट के बात करें तो फ्रेंड्स आपको 24 दिसंबर को रिजल्ट जो है घोषित कर दिया जाएगा, तो इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। आज जो है 21 तारीख होगी या 2 से 3 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगी, हो सकता है तो आपको 23 तारीख को शाम में ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, 24 तारीख ये फिक्स नहीं है, बताया गया है कि इसके अप्रोक्स में मतलब यहाँ तक आपको रिजल्ट आ सकता है, तो 23 के शाम में या 24 को सुबह होते होते आपका रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बात करें तो पीटी के लिए, तो पीटी जो है पीटी का डेट घोषित कर दिया गया है कि 12 जनवरी से आपका पीटी शुरू होने वाली है। और रिजल्ट जो है कैसे चेक करेंगे तो मैं इसके लिए लिंक एक्टिवेट कर दूंगा, मतलब लिंक जो है आपको यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा जब रिजल्ट आएगी, इसलिए मैं चैनल के साथ जुड़े रहना, सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा मैं स्टेप बाय स्टेप करके बता दूंगा कि रिजल्ट कैसे चेक करें और रिजल्ट आया कि नहीं। इसीलिए चैनल के साथ जुड़े रहना, सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको हर तरीके का इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हो तो उसका भी नोटिफिकेशन आते रहता है, कोई न्यू वैकेंसी, एडमिट कार्ड या एग्जाम डेट या रिजल्ट कैसे चेक करें यही सब, ठीक है ना। और यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, किसी पर अगर डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा। फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।